जी वीक नंबर क्या चल रहा है आप लोगों का कोर्स के अंदर? वीक नंबर क्या चल रहा है बताएं। शायद 11th मॉड्यूल चल रहा ठीक है, अब मुझे है। जी, मैं सुन रहा हूँ। सर ये वीक का तो नहीं पता, मगर कोर्स के अंदर 12 मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं। 12 मॉड्यूल्स। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे अभी आप लोगों का वीक नंबर 11 चल रहा होगा, एक्टिव होगा। वीक नंबर 12 एक्टिव नहीं होगा, फिर जिनका होगा तो इसका मतलब उनका ऑलमोस्ट जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। अब किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो इस पूरे वीक के अंदर, किसी से कोई क्वेश्चन हो रहे टॉपिक के अंदर से या टॉपिक के बाहर से, सर आप मेरे वन बाय सर वन जो है पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा कर लीजिएगा ताकि मैं आपको फिर जो है माइक वन बाय वन, ताकि हम पहले किसी के सुन ले, ऐसे बीच में सर मछली मंडी नहीं बनानी, ठीक है ना? तो वन बाय वन। जी जी जिसने जिसने सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। सवाल जी जी पूछें पूछें। सर, मेरे असल में 3 क्वेश्चंस हैं सर। ठीक है पहला क्वेश्चन सर ये है कि आपने ना आईपी चेंज करने का बताया था, तो आईपी एग्जैक्ट चेंज हो रही है, मैक एड्रेस भी एग्जैक्ट चेंज हो रहा है, मगर जो काली लिनक्स के टर्मिनल में वो चेंज हुआ वो शो होता है ना, तो वेब ब्राउज़र पे जब हम जाते हैं तो हमारा सेम आईपी एड्रेस यानी कि पाकिस्तान से ही शो हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, पहली बात जो आप आईपी चेंजिंग आप कर रहे हो वो एक आपको बताई हुई है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप फिलहाल कर रहे हो, बट जब हम बात करते हैं ना आप एक्चुअल सिस्टम के अंदर अपनी, जब आपके काले लिनक्स डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ जब कम्युनिकेशन करेगी, क्योंकि अभी आपकी जो काले लिनक्स है वो कम्युनिकेट डायरेक्ट हार्डवेयर से नहीं कर रही, आपकी काले लिनक्स कम्युनिकेट कर रही है वर्चुअल बॉक्स से। वर्चुअल बॉक्स कर रहा अच्छा है कम्युनिकेशन आपकी विंडो के साथ, और विंडो कम्युनिकेशन कर रही है किसके साथ, आपकी डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ। अच्छा ठीक सर, तो ठीक सर। इसलिए मैं जी जी सम अच्छा सर ये मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अब जिस तरह टास्क के बीच में है कि आईपी आपने चेंज करके या मैक एड्रेस चेंज करके वो परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे जो वो शो होगी तो उससे कोई टास्क को अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? मतलब किस तरह के टास्क, किस तरह का इफेक्ट, मैं समझा ये नहीं। जो फाइनल असाइनमेंट आईबीएस में है ना कि आपने सारे कामों से पहले अपनी आईपी या मैक एड्रेस चेंज करना है। वो इसलिए है ताकि आपको पता, आप लोगों की चीजें याद हो, आईपी टास्क अच्छा उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपके अच्छा किसी। सर, सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एन मैप में एग्रेसिव स्कैन के दौरान बीच में ना वो कुछ एरर सा आ रहा है इस वेबसाइट को जब हम उसकी स्कैनिंग करते हैं, बाकी मेटास्प्लॉइटेबल को मैंने चेक किया है तो उसमें ये नहीं आ रहा, इस वेबसाइट को करते हुए बीच में कुछ HTML और CSS के कोड बीच में ना शो होते हैं और वो एरर आ जाता है वहाँ पे, तो उसका मुझे एक इशू समझ नहीं आ रहा। वो जो एरर है अगर वो हाइट मुझे दिखा सकें तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आप मेल कर दें, नहीं तो लिंक्डइन के ऊपर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि मैं फिर आपको बता दूँ अच्छा चलें आपके सर, वायर ये केसेस चलें में। ठीक है, इस पे मैं कर लूँगा। और सर लास्ट एक और क्वेश्चन है मेरा जी जी सर, वो ये है कि आपने जो मेथड बताया था ग्रुप में कि वीवली के ज़रिए एक हम शेल जनरेट करेंगे PHP का बैकडोर, तो उस वेबसाइट में ये इशू है कि उस वेबसाइट में आप ना पिक्चर के अलावा कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वहां पे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। और सर इसमें एक एडवांस मेथड है जो मुझे किसी ने आर्टिकल शेयर किया था, पता नहीं किसी दोस्त ने इसी ग्रुप में से, कि बर्प सूट के ज़रिए ना हम उसकी एक्सटेंशन चेंज करके यानी उस PHP के साथ एक आगे मिनट, आ आप लोग एडवांस के हो या आप बेसिक के हो? सर बेसिक बेसिक एडवांस में चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, प्रैक्टिकली पढ़ाई हुई है, तो मैं वही कहूँ आर्टिकल की तो जरूरत करने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ हाँ एडवांस में। अच्छा सर, खैर, वो वैसे ही किसी ने भेज दिया, मैंने कहा शायद सर के मुताबिक हमने थोड़ी रिसर्च से भी काम लेना है, तो मैंने वो भी मेथड ट्राई कर लिया है, तो उस एक्सटेंशन को चेंज करने के बाद भी ना वो अपलोड नहीं हो रही फाइल, जिसकी नहीं वजह नहीं से वो नहीं अपलोड होगी क्योंकि वहां पे वो वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो सर फिर उस वल्नरेबिलिटी को क्या करेंगे उसका मतलब, उसके बगैर तो टास्क एक अधूरा है। नहीं, जब एक चीज नहीं है तो इसका मतलब है वो नल है, उसे आप छोड़ दोगे, टाइप करोगे भी, लिख दोगे रिपोर्ट के अंदर भी, इस कोई वल्नरेबिलिटी इसमें नहीं पाएगी, खत्म कहानी। तो दूसरी जगह शायद नहीं है, तो पानी अंदर तो चीज नहीं है, इसका मतलब वो वहां पे नहीं पाएगी अच्छा ठीक है सर, ठीक सर, जी। शुक्रिया इसके शुक्रिया अलावा सर जी असद आपका हाथ खड़ा है, जी पूछें किस जी। सवाल है।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मैंने ये वालेकुम पूछना सर। था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो बेसिक कोर्स है वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उसमें आपने वनबीटी एक बताई थी SSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, लेकिन इसके बारे में आपने डिस्कस किया था लेकिन हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया उसमें। देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के अंदर जो आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो ना अपने कोर्स के अंदर, वो है कमांड एग्जीक्यूशन का अटैक। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्ट मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के अंदर जिस गूगल करोगे ना अभी, क्रॉस साइट स्क्रिप्ट, चार्ट शीट कोड, चीट शीट कोड, तो कुछ जितने भी कोड्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन वो जो कोड्स हैं वो इन रियलिटी आज की डेट में काम नहीं करते, ठीक है? और ना ही उस कोड से आप वेबसाइट के अंदर एक्सेस ले सकते हो। वो जस्ट फ्रंट एंड के ऊपर जो बग्स होते हैं उनको एक्सप्लोइट कर सकते हो, ठीक है? तो जो मैंने आपको सिखाया है ना, क्रॉस साइट का एक अगला वेरिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कमांड एग्जीक्यूशन कहते हैं। वो भी एक क्रॉस साइट, जैसे CSRF है, क्रॉस साइट का बड़ा भाई है। एक वो एक, वो एक वो अलग अलग वनरेबिलिटी है। ये टाइप्स है और कैटेगरी के अंदर डिफाइन होती है। तो जो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कमांड एग्जीक्यूशन वाली टाइप है, ठीक है? जो एक्चुअल क्रॉस साइट स्क्रिप्ट जो जो ईसी कंसोल पढ़ाता है या बाकी के जो क्या कहते हैं जो डिग्री सर्टिफिकेशन, जो वहां पे आप पढ़ रहे होगे वो चीट शीट वाला पढ़ रहे होगे, जो इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक टूल्स वैसे उसको स्कैन करके बता देते हैं कि इसमें ये क्रॉस साइट स्क्रिप्ट की वाली वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। कमांड एग्जीक्यूशन क्योंकि मैनुअल प्रोसीजर है यहाँ आपका, तो आपको हर बॉक्स जो है खुद चेक करना पड़ता है कि क्या इस बॉक्स के अंदर ABCD के अलावा 1 2 3 लिखा जा रहा है, क्या 1 2 3 4 के अलावा एट द रेट सिंबल लिखे जा रहे हैं। अगर सिंबल लिखे जा रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई लूप होल है। तो फिर वहाँ पर आप अपनी कमांड बना के क्या करते हो, एग्जीक्यूट करवाते हो। ठीक है सर। जी, इसके अलावा किसी को भी सवाल सवाल या कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। सवाल जी वालेकुम सलाम। जी आपकी वॉइस क्लियर, आपकी वॉइस सॉरी क्लियर नहीं है, काफी पीछे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। सर जी और कोई, वो उनका माइक के पीछे से काफी नॉइज आ रही थी। जी किसी और का सवाल हो? अब आ रही है आपको जी ये आवाज? बिल्कुल ठीक आ रही है, पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जो कुछ इंस्टॉल करते हैं वो रूट पे जाके हमें इंस्टॉल करना जरूरी है क्या ये चीज, या कोई से भी टर्मिनल पे हम कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आप उसे रूट से ही इंस्टॉल करो या रूट टर्मिनल से ही उसे इंस्टॉल करो। लेकिन पता है क्या है, आपका जो यूजर है ना इस वक्त, उसके पास रूट परमिशन नहीं होती। तो रूट परमिशन के लिए आप उस क्या लगाते हो, हर कमांड से पहले सुडो लगाते हो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर आप रूट यूजर ओपन करके, जैसे जब आप लॉग इन करते हो विंडो काली के अंदर, क्या लिखते हो, काली यूजर नेम और काली पासवर्ड देते हो, लेकिन उसी की जगह अगर आप रूट यूजर नेम और उसका पासवर्ड दोगे, ठीक है, एंड देन उसे आप लॉगिन करोगे, तो क्या होगा कि आप रूट यूजर रूट आपको सुडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास डायरेक्टली रूट की परमिशन आ जाएगी। तो ये ज्यादा फर्क नहीं होता। बाकी तो आपके पास काली 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 जो आपको काली मिलता है वो बाय डिफॉल्ट एक यूजर है, उसके पास रूट की परमिशन नहीं होती। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि रूट में इंस्टॉल करना है। हाँ, अलबत्त कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन जो कहते हैं कि हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करना है। तो ऐसे जो टूल्स होते हैं जैसे कि नेसेस है आपके पास, या 3 4 टूल्स हैं जो कहते हैं कि आपने हमें रूट के अंदर इंस्टॉल करना है, ना कि किसी यूजर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो वो जैसे टूल्स होंगे फिर आपको वो जो है रूट के अंदर इंस्टॉल करने होंगे। और ये जो रूट वाले टूल्स होते हैं ये खुद बता देते हैं कि आप, वो एरर दे देते हैं, पहले ही एरर शो करवा देते हैं कि इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता। जी तो सर क्या कहते हैं, अगर हम रूट लॉगिन करें तो हमारे पास हो जाएगा? जी रूट का वो सबसे पहले पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होगी फिर टर्मिनल के ऊपर। अगर आपने रूट का पासवर्ड सेट नहीं किया हो, आपको लिखना होगा सुडो PASSWD, देन स्पेस, देन लिखना होगा ROT, फिर जैसे आप इंटर करेंगे वो पूछेगा इंटर योर न्यू पासवर्ड, इंटर कंफर्म पासवर्ड। जो भी पासवर्ड आप दोगे वो आपको टाइप करके इंटर कर देना है, एंड देन उसके बाद अपना लॉग आउट कर देना अपनी काली लिनक्स को। जब आप लॉग आउट हो गए तो जहाँ पे लिखा होता है ना इंटर, अपना काली यूजर नेम डालें और काली पासवर्ड डालें, वहाँ पे अपने यूजर नेम की जगह डाल देना रूट ROT, एंड देन जो पासवर्ड होगा वो जो आपने सेट किया होगा पासवर्ड डालें, रूट टर्मिनल आपका, रूट यूजर आपका ओपन हो जाएगा। जी चलें सही। और सर आप क्या प्रेफर करेंगे कि रूट यूज करना सही है इंस्टॉलेशन के लिए या
यूजर ही इनफ है? नहीं ठीक है, कोई इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काली लिनक्स 2021 से पिछला जो वेरिएंट था, सॉरी 22 जो पिछला वेरिएंट था, इसके इसमें आपको रूट यूजर मिलता आप ही आके, अब आपको जो है यूजर नेम यूजर जो है वो मिलता है काली वर्सेस का, बट इससे जो पिछला यूजर था उसमें आपको सिर्फ रूट ही यूजर और उसका पासवर्ड होता था बाय डिफॉल्ट। अब आप क्या रूट यूजर नहीं मिलता। सही है, सही है, थैंक यू सो मच। जी किसी को भी सवाल पूछ सकते हैं आप, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं। देखो शांति से नहीं बैठना, अगर शांति से बैठना तो फिर तो मेरे ख्याल में टाइम वेस्टिंग होगा। कोई सवाल है, कोई टॉपिक से सवाल है, टॉपिक से हटके सवाल है, एनीथिंग सर? ये जो प्रोजेक्ट अपलोड, सर ये जो प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है इसमें इसकी जो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है ये एक्सप्लोइट डीबी पे अवेलेबल है या कोई नहीं? किस पे अवेलेबल है? एक्सप्लोइट डीबी पे नहीं, फाइल अपलोड की जो टाइप वल्नरेबिलिटी है बेसिकली ये मैंने पढ़ाई हुई है आपको, तो मैंने पढ़ाई नहीं हुई सीएचओ वालों को और सीपीटी वालों को, तो मैंने पढ़ाई नहीं है फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी। क्या पढ़ाई है? अरे नहीं पढ़ाई थी। हाँ नहीं पढ़ाई थी। ये मैंने एडवांस साइबर सिक्योरिटी के जो स्टूडेंट्स उनको पढ़ाई हुई, लगता है आप लोगों के पास असाइनमेंट गलत शो हुई है। आप इस चीज को हाईलाइट करवाओ अपने जो व्हाट्सएप के पीएफटीपी के नंबर हैं या उनको कॉल करके हाईलाइट करवाओ, सारे मिलके एक करोगे तो ये इशू हाईलाइट नहीं होगा। उनको हाईलाइट करो कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी, ये एडवांस साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, आप हमें चेंजिंग करके भेजें तो वो फिर आपको चेंजिंग करके भेजेंगे। फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी जो है वो आपका टॉपिक ही नहीं है, वो तो एडवांस साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। ठीक हो गया, आपके पास असाइनमेंट गलत है जी। और किसी को भी सवाल या कोई टॉपिक समझ में ना आता हो? जी गंदर्व सर आपका माइक ऑन है, आपने कुछ पूछना है? नहीं सर, मुझे एक्चुअली ऑडियो नहीं आ रही थी तो देन मैं वो चेक कर रहा था, पता नहीं क्या इशू है। आप तो आई थिंक सो तब से बात कर रहे होंगे, मुझे अभी ऑडियो आनी स्टार्ट हुई है। अच्छा अच्छा, चलें कोई मसला नहीं, हो सकता है कोई मसला हो जी। इसके अलावा किसी कोई सवाल हो, कोई कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ हो, कोई टॉपिक हो जो समझ में ना आ रहा हो, लेकिन बातचीत करें ताकि मुझे समझ में आता हो कि इंट्रैक्शन बन रही है, अदरवाइज मुझे ये लगेगा कि कोई सवाल नहीं है और फिर मेरे नज़दीक भी ये टाइम वेस्टिंग होगा तो फिर मुझे सेशन एंड करना होगा, तो इसलिए मैं कहूँ कि सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कुछ भी हो आप इजीली पूछ सकते हैं। कोई सवाल ऐसे मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के वीक अगर 11 चल रहा है तो उसमें वायरलेस हैकिंग का मॉड्यूल मैंने ऐड करवाया था, वो आप लोगों को मिल चुका है? सर वो तो बहुत पहले का ही ऐड है, तकरीबन उसको 2-3 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल में। ठीक है, दो हफ्ते हो गए शायद। वो 12वें मॉड्यूल के अंदर ऐड होगा, 12वां मॉड्यूल 2 हफ्ते से मुझे तो शो हो रहा है, बाकियों का मुझे नहीं पता। और उसमें सारे कंप्लीट वाईफाई हैकिंग का वो सारे लेक्चर ऐड है, वो भी रिसेंटली मैंने ऐड करवाया था। अच्छा, मतलब रिसेंटली से मुराद पे तीसरे ये जो पिछले 3 Zoom सेशन के गुजरे हैं उसी वक्त उसी में ऐड करवाए थे, पिछले 4 गुजरे हैं, हम ऑलमोस्ट उन्हें मंथ हो गया जो मैंने ये सेशन डिलीवर किया है, या फिर जो प्रीवियस बैच था उसने आई गेस इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई सवाल हो सर? इसमें बहुत से बंदों को, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को ना वो उसका मॉनिटर मोड एग्जैक्ट ऑन करना नहीं आ रहा, मैंने पता नहीं किसी तरीके से कर लिया था, मुझे खुद भी सर याद नहीं आ रहा, मगर उसका ना कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं, आप अगर एग्जैक्ट गाइड कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ना इसके बारे में पता नहीं है। नहीं मुनीर, जो फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी है वो ना सीएच वालों की है ना ही सीपीटी वालों की है, वो है एडवांस साइबर सिक्योरिटी की। जिन जिन के पास फाइल अपलोड की असाइनमेंट मिली हुई है या जहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल अपलोड करनी है, आप काइंडली सारे मिल के ग्रुप के अंदर इस इशू को, या जो व्हाट्सएप के ग्रुप है या व्हाट्सएप पे जो नंबर है पीएफटीपी का, वहाँ पे इशू हाईलाइट करवाएं उनके कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, ये एडवांस साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, आप हमें हमारे टॉपिक के अंदर से जो असाइनमेंट है वो दें।
अच्छा मॉनिटर मोड की जी जी पूछें सर, ये अपलोड वल्नरेबिलिटी हमने एक्सप्लॉइट नहीं करनी, इसमें फाइंड करनी है। हाँ अगर तो फाइंड करनी है फिर आपका टॉपिक है, अगर तो एक्सप्लॉइट करनी है फिर आपका टॉपिक नहीं है। देखो अगर स्कैनर चलाओ तो ये जो है आईपी बैन हो जाती है उसी टाइम पे, क्या जाती है अगर कोई भी हम स्कैनर चलाते हैं जैसे निको चलाते हैं गो बस्टर चलाते हैं तो उसी टाइम पे हमारी आईपी जो है वो बैन हो जाती है, साइट अवेलेबल नहीं होती, यानी कि एक्सेसिबल नहीं होती उसके बाद। मैं उसकी रीजन बताता हूं, क्योंकि उसके ऊपर क्लाउडफेयर लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट आईपी के थ्रू या स्कैनर उसके ऊपर काम नहीं करेगा, उसको आपको मैन्युअली स्कैन करना होगा। अच्छा अगर तो अपलोड है ना फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या लेट्स से वहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड अ पीडीएफ और अपलोड अ पिक्चर, तो इसका मतलब अगर अपलोड अ पिक्चर तो इसका मतलब है कि पिक्चर आपको अपलोड करनी है, और पिक्चर की कितनी टाइप्स होती है, तीन टाइप्स होती है, एक होती है जेपीईजी, एक होती है जेपीजी और एक क्या होती है पीएनजी। अगर इन तीन टाइप्स के अलावा कोई चौथी टाइप एक्सेप्ट करे तो दैट्स मीन वहाँ पे कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद है। अगर लिखा हुआ है कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स या अपलोड योर यू नो कोई भी रेज्यूमे या व्हाटएवर कोई भी चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट की सूरत में है, तो इसका मतलब वहाँ पे आप पीडीएफ अपलोड करोगे, डॉज अपलोड करोगे, एक्सएमएल की फाइल सॉरी एक्सेल की फाइल जो है अपलोड कर सकते हो। तीन से चार कैटेगरी होती है डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन अगर इसके अलावा वहाँ पे एचटीएमएल भी एक्सेप्ट हो रही है, पीएचपी एक्सेप्ट हो रही है, इस तरह की फाइल एक्सेप्ट हो रही है, पिक्चर भी वहाँ पे जा रही है, तो दैट्स मीन वहाँ पे क्या है बग है। इस तरह चीजें इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर तो लिखा हुआ है कि उसको एक्सप्लॉइट करो तो दैट्स वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो एडवांस वालों का होगा जी। अच्छा वो टॉपिक रह गया था मेरा, मैं उसको पहले सवाल पे जवाब देता हूं, जो सवाल है फिर उसके ऊपर भी आते हैं। अगर जिसका मॉनिटर मोड का कोई मसला है, सबसे पहले आप लोग अपने अडाप्टर, जो आप लोगों ने वाईफाई का अडाप्टर लिया हुआ है उसको एक नज़र देख लें कि आप लोगों ने अडाप्टर कौन सा लिया हुआ। मैंने आपको बताया हुआ है मार्केट से आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन ईजिली अवेलेबल है ओलेक्स के ऊपर या जो यूज़र पुराने हैं या बहुत पुरानी शॉप्स हैं उनके ऊपर यूज़ में मिलेगा आपको। टीपी लिंक का वर्जन 1 है जिसका मॉडल है, मॉडल नंबर होगा वैसे तो वो लेक्चर के वैसे बताया हुआ है, अगर लेक्चर बोर्ड से देखोगे तो मॉडल नंबर वहाँ पे होगा, वो है 722WN वर्जन 1। वर्जन 3 मार्केट के अंदर अब आया हुआ है, लेकिन आपने वर्जन 1 लेना क्योंकि उसी का चिपसेट जो है काम करेगा। इसके अलावा टीपी लिंक का एक वर्जन है मार्केट से ईजिली मिल जाता जो 2.5 GHz और 5 GHz को सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। वाई आई गैस 42-100 रुपये का, लेकिन वो लाहौर से मिलता है, ये हफीज सेंटर प्रिंटी की जो दुकान है वहाँ पे मिलता है, बट इट्स अ चीप, इट्स अ यू नो लिटिल हाईली एक्सपेंसिव, वो 42 रुपये का, बट लेकिन वो कार अच्छा है, सूटेबल है, हीट नहीं करता, मैंने भी उसे पर्सनली यूज़ किया हुआ काफ़ी टाइम पहले, लेकिन वो अच्छा है काफ़ी, वो ले सकते हो। और मॉनिटर मोड को, मॉनिटर मोड के लिए ये है, अगर तो आप एथ्रो के जो है चिपसेट लोगे तो आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे और इजीली वो जो है आपका मॉनिटर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। जस्ट आपका सिंपल कमांड है, आप लिखोगे सूडो एरो डंप एनजी एंड देन आप लिखोगे एरोमोन एनजी एंड देन आप लिखोगे जो आपका अडाप्टर का जो आपने लगाया होगा नाम लगाया होगा, लेट्स से जैसे ईथरनेट कनेक्शन लगाते हो तो क्या शो होता है, ईथरनेट 0 शो होता है, दूसरा अडाप्टर क्या शो होता है, LW शो होता है। जब आप वाईफाई लगाओगे जब कनेक्ट हो जाएगा तब वहाँ पे लिखोगे WLAN लिखा होगा, तो इसका मतलब वायरलेस लैन। तो अब आप लिखोगे sudo aeromon-ng देन लिखोगे WLAN जो 0 होगा वो लिखोगे एंड देन लिखोगे स्टार्ट मॉनिटर या सिर्फ लिखोगे स्टार्ट, जैसे लिखोगे तो आपका जो अडाप्टर है वो मॉनिटर मोड में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट सिंपल कमांड है, बाकी इसका जस्ट अगर आप गूगल भी करोगे तो हाउ टू इनेबल अ मॉनिटर मोड वैसे आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने यू नो वीडियोज़ के अंदर ही देखनी, खुद आप थोड़ी सी R&D करनी है लाजमी जी। इसके अलावा कोई सवाल असद आपने हाथ खड़ा किया, कासिम आपने खड़ा किया, पूछना है जी। सर मैंने ये पूछना था कि आपने सोशल इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपने नेक्स्ट फिशर टूल के बारे में बताया था, आपने लोकल होस्ट पे आपने करना सिखाया था लेकिन आपने एनजी रोग जो था उस पे करना नहीं सिखाया। एनजी रोग बेसिकली मैंने समझ नहीं, मुझे याद नहीं कि एनजी रोग मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया, बट अलबत्ता वो एक चीज यूज फिशिंग के लिए होता है, फिशिंग के लिए होता है। अगर आपको एनजी रॉक अगर यूज करना है तो एनजी रॉक के लिए सबसे पहले आपको एनजी रॉक की वेबसाइट पे जाना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो एनजी रॉक की सब जो वेबसाइट जो खुलती है ना उसके बाद लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट शो होता है वहां पर ना आपको की दी जाती है, एक लंबा सा एक की फुट पता नहीं 26-25 नंबर की जो की होती है एक, ठीक है, उसको कॉपी करने के बाद आपने टर्मिनल ऑन करना, अपने काली का कहीं से भी ऑन कर लेना है, बाहर से ही डेस्कटॉप से ऑन कर लो बट अगर कहीं से भी ऑन करके
आपने लिखना है ./ उसकी को पेस्ट करके इंटर कर देना, आपका जो एनजी रॉक होगा वो क्या हो जाएगा, उसके साथ लिंक हो जाएगा। फिर आपको जो एनजी रॉक, जब आप एनजी रॉक के थ्रू जाओगे तो फिर आपको आपकी जो लिंक काम, आपकी जो लिंक जनरेट होगी वो काम करेगी। अभी फिलहाल वो काम नहीं कर रही होगी, लेकिन जब आप उस तरह करोगे पहले एनजी रॉक को आपने क्या करना है, लिंक करना है, देन आपकी एनजी रॉक की जो है उसे कमांड जो है वो काम करेगी, सॉरी लिंक जो है वो काम करेगी एनजी रॉक की। जी जी ठीक हो गया सर जी। इसके अलावा जी कासिम आपने खड़ा किया हुआ है जी, पूछें। हाँ अच्छा सर, वो वही मैंने फाइल अपलोड का ही पूछना था, तो उसमें अगर हमें नहीं मिलेगी वल्नरेबिलिटी तो उसका फिर हम सिंपल आंसर लिखते हैं कि हमें मतलब नहीं मिली इंग्लिश में? नहीं, आप कहोगे देयर इज नो एनी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल इन दिस वेबसाइट, जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग ptftp.com है, अगर वहां पे कोई वल्नरेबिलिटी फाइल अपलोड की नहीं है तो आप लिखोगे, मेंशन करोगे रिपोर्ट के अंदर और हाईलाइट करोगे इसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट को ही एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा किसी भी फाइल लोड, किसी भी अलग फाइल को एक्सेप्ट इसमें नहीं हो, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई लूप होल नहीं पाया था। बस ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, रिपोर्ट जो सबमिट कर दोगे। जी ठीक। सर आपने ये वाईफाई हैकिंग में जो है WPA2 और WPA का हैक बताया हुआ है, तो आपने इसमें WEP का क्यों नहीं बताया? WEP यूज ही नहीं होता, ठीक है। देखो इनक्रिप्शन अभी जो यूज होता है ना आपके स्टैंड, आपके पास जो घर में वाईफाई आते हैं ना, घर में जो वाईफाई आप प्रोवाइडर देते हैं, इवन दो आप PTCL का 4G ले लो, Zong का, Zong की जो छोटी डिवाइस ले लो, जैज, बट अगर किसी भी कंपनी ले लो, अब आज इवन दो आपका जो सेलफोन का जो हॉटस्पॉट है वो भी जो आपको वाईफाई जो देता है ना, वो भी आपको VPS और VPS2 आपको देता है, ना कि आपको VPE देता है, ठीक है। अब ये आज की दिनों में ये टेक्नोलॉजी नहीं चल रही, ये अगर आपका बैकवर्ड चले जाते 2011-12 इस तरफ जाते तब ये VPE यूज होता था, ठीक है। फॉर राइट नाउ VPS2 यूज होता है 2 GHz के ऊपर, जब हम बात करते हैं 5 GHz के ऊपर बात करते हैं तब वहाँ पर VPA 3 यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हम आगे जा रहे हैं ना कि पीछे जा रहे हैं। हाँ अलबत्ता VPS यूज जरूर होता है, जो वो यूज होता है जब हमने कोई प्रिंटर को लिंक करना है, ठीक है, या कोई यू नो किसी ऐसी डिवाइस को लिंक करना है जहाँ जैसे कि फैक्स की मशीन है उसको लिंक करना, तब आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो वाईफाई के राउटर के पीछे बटन दिया होता है छोटा सा जिसके ऊपर लिखा होता है VPS, वो बटन अगर जो है उसकी होती है प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस मैंने वैसे नहीं करवाई हुई, लेकिन वो भी कुछ सूरतों में कामयाब होता है, कुछ सूरतों में नहीं कामयाब होता। अगर तो 2 GHz के राउटर्स हैं तब उसमें वो चल सकता है, बट बाय डिफॉल्ट किसी राउटर में भी VPS जो है इनेबल नहीं होता, आपको बटन प्रेस करोगे तभी वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होता। तो यानी कि लेट्स से आपने ट्राई करने की कोशिश की VPS और VPS आपको वाईफाई मिल भी गया, लेकिन जब तक वो पीछे राउटर का बटन लगा हुआ है जब तक वो प्रेस नहीं ना होगा आपको वाईफाई का जो टैग वो कामयाब नहीं होगा, तो ये सीन होता है। इसलिए जो है मैंने आप लोगों को VPS की तरफ, VPS2 की तरफ ही जो है शिफ्ट किया हुआ है, जो वही चीज़ पढ़ें जो एक्चुअल अभी जो इन है या जो करंटली वर्किंग करें, ना कि उन चीज़ों को पढ़ें जो गुजर चुकी हैं जिसका भी कोई काम नहीं है, जो जो फजूल में गुजर जो है नहीं, मतलब जिसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन सर अक्सर जब ये हम स्कैन कर रहे होते हैं तो उस पे आया होता है कि VPS अवेलेबल या VPS इंक्रिप्टेड, तो फिर नहीं मैं बताता हूँ देखो VPS अगर आता है ना तो WPS और WPS ही तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, WPS और WPS2 ही तो आप लोगों को आप लोग पढ़ रहे हो। सर हमारा तो इसमें है कि ये पासवर्ड क्रैकिंग है, लेकिन वो सर उसमें होता है पिन क्रैकिंग वाला चक्कर होता है, वो WPS के अंदर होता है जी। हाँ वो WPS के अंदर होता है, लेकिन वही तो मैंने बताया आपको कि जो WPS होता है वो राउटर के पीछे बटन लगा होता है, और ये वाईफाई उन डिवाइसेस के लिए काम में आता है जैसे प्रिंटर है, आपके पास फैक्स की मशीन है, उनके लिए काम में आता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो राउटर्स आपको बाय डिफॉल्ट PTCL की तरफ से किसी भी ISP इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस की तरफ से जो आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर VPS का जो बटन होता है वो बाय डिफॉल्ट आपको ऑफ मिलता है, तो यानी कोई भी उसे वैसे भी नहीं ऑन करता, कोई भी ऑन नहीं करता, क्योंकि उसको तार का कनेक्शन दे दिया जाता है या वैसे उसे वायरलेस कनेक्शन के थ्रू लिंक कर दिया जाता है। अगर तो इनेबल है देन उसके ऊपर अटैक परफॉर्म किया सकता है। मैंने आपको जो स्टार्ट करवाया है वो अगली जो टेक्नोलॉजी है ये फिर भी पिछली टेक्नोलॉजी VPS जो है पिछली टेक्नोलॉजी, मैंने अभी आपको जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई है वो VPS और VPS2 पढ़ाई हुई है जी। ठीक हो गया सर, ये कैसे पूछें आपसे, ये पूछे जिससे पूछना है
सर नेक्स्ट फीचर मैं यूज कर रहा था लोकल पे, मैं अपने ब्राउजर पे जब वो लिंक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो वो लिंक एनेबल नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? आप लोकल और से कर रहे हो या एनजी रॉट से कर रहे हो? लोकल से ही कर रहा था मैं, लोकल से कर रहे थे। लोकल की तो काम करती है, क्या कहता है इशू, क्या इशू क्या आता है? मतलब वो एक्सेस नहीं होता, जो यूजुअल एरर हमारे पास आता है कि साइट एक्सेस नहीं होती जब। अच्छा, फिर मेरे ख्याल में आप https, आपका जो वेब ब्राउजर है ना वो से https में ओपन करोगे, जबकि वो http है ना कि https है। बाकी मजीद अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता या इस तरह का इशू नहीं है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो ज्यादा मेजली फिजिबल होगा उसको देखना, उस यूआरएल को भी देखना। जी मैं आपको स्क्रीनशॉट लिंक्डइन पे भेजूं? हां लिंक्डइन पे भेज दीजिए ताकि मैं देख सकूं। चलिए इसके अलावा सर आजकल ये जो है वीडियो ग्राफिक जो सॉरी ये जो ग्राफिक ड्राइवर के थ्रू ट्रैकिंग होती है, ये ग्राफिक एडाप्टर के थ्रू ग्राफिक एडाप्टर जी ग्राफिक कार्ड जी, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? मैं समझा नहीं, ग्राफिक टूल, ग्राफिक कार्ड कह रहे हो, ग्राफिक क्या चीज कह रहे हो? ग्राफिक कार्ड के आजकल ग्राफिक कार्ड के थ्रू जो है ट्रैकिंग होती है इंस्टेड ऑफ रैम, तो उसके लिए कौन सा टूल है? क्या किस किस उसके ऊपर क्या हैकिंग होती है सर? जैसे हम क्रैकिंग कर रहे होते हैं, जैसे हम ये पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे होते हैं कोई भी, ये वैसे तो हमारा रैंडमली रैम यूज कर रहा होता है या प्रोसेसर यूज कर रहा होता है। अच्छा, मैं बताता हूँ, वो है ब्रूट फोर्सिंग। जब हम बात करते हैं ना ब्रूट फोर्सिंग की बात करते हैं तब आपका सीपीयू जीपीयू यूज होता है, ठीक है? जब हम पासवर्ड क्रैकिंग की बात करें तब भी आपका जीपीयू यूज होता है। अब फिर आता है क्लाउड वाली साइड आती है। अब जब आपकी बात करें जीपीयू यूज करने की तो आपका प्रोसेसर बहुत तेजी में काम कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या होता है, लेट्स से 4 कोर हैं आपके प्रोसेसर में, 8 हार्डवेयर चाहिए, इसलिए इस टॉपिक के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके प्रोसेसर 8 कोर के हैं तो 8ों के 8ों कोर्स उस पर्टिकुलर जो है उसके ऊपर ट्राई कर रहे होते हैं, और सम टाइम में मशीन जो क्रैश हो जाती है, इसलिए हम ग्राफिक कार्ड्स का जो है सहारा लेके उसके ऊपर क्रैकिंग करते हैं। हमारे पास फिर अगर लेट्स से बिलियंस ऑफ बिलियंस की, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ, अगर बिलियंस की वर्ड लिस्ट है या मिलियंस की भी 10 मिलियन प्लस की कोई पासवर्ड लिस्ट है आपके पास, उसको अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर आपने उसको ब्रूट फोर्सिंग करनी है तब आपको जीपीयू चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग वाला, उसके लिए ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं। टूल यही होते हैं, यही एयर क्रैक एनजी होता है, यही आपका क्या कहते हैं जॉन द रीपर होता है, ठीक है? यही टूल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टूल्स नहीं होता। हाँ, हैशेस को क्रैश करने के लिए फिर आपके पास हैश 5 के नाम, आई गेस हैश 5 है एक टूल है जो विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है, काली के अंदर इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट, वो हैश कैट। हाँ, हैश कैट आपको यूज करना होता है अगर आपको हैशेस को इंक्रिप्ट करना है, ठीक है? तो बट उसके लिए भी आपको फिर जीपीयू ही चाहिए होता है। वो अगेन बात करूँ कि जब आप ब्रूट फोर्सिंग की तरफ जाते हो, सेम पासवर्ड लिस्ट रहती है बड़ी, उसमें पासवर्ड लिस्ट अगर आपके पास बहुत बड़ी पासवर्ड लिस्ट है देन आपको जीपीयू को सहारा लेना पड़ता है और ग्राफिक कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा किसी का भी सवाल हो? सर मेरा एक क्वेश्चन जी सर, ये आपकी 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 आवाज जो है वो काफी ज्यादा बोल रही है, माइक कट रहा है मेरा, सर ये भी पर करना चाहिए। सर ये मेरा नहीं है, किसी और का ओपन है सर जी, ये पता है सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। ये एक नाम है असाइनमेंट के अंदर है डिस्क्रिप्शन टिप्स में, यूजिंग एनमैप टूल्स टू फाइंड टीसीपी एंड यूटीपी पोर्ट फॉर एग्रेसिव स्कैन। तो ये पूछना था कि एग्रेसिव स्कैन के बीच में ही टीसीपी और यूटीपी की ओपन और क्लोज पोर्ट्स शो हो जाएंगी या कुछ और करना होगा? देखो एग्रेसिव स्कैन में आपके पास सिर्फ टीसीपी की पोर्ट शो होती है, यूटीपी के लिए आपको डैश एस यू का जो है पैरामीटर यूज करना होता है, फिर वो फाइंड होती है डैश डैश एस स्मॉल में और यू कैपिटल में, देन आपको यूडीपी की जो पोर्ट्स हैं वो शो होती है। तो सर इसको फिर अलग अलग करके भी हम बना के उसको बिल्कुल बना सबमिट कर सकते हैं? बना सकते ठीक सर। तो फिर उसमें मतलब वो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा या कोई इशू तो नहीं? हां कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आपने अपना टास्क पूरा करना, वो टास्क होगा बस। ठीक सर, ठीक।
जी इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें, ताकि मैं जो है उसका रिस्पॉन्स करूँ, अगर नहीं है तो बताएं। जी कोई सवाल है किसी का, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं है तो भी बताएं। अगर जब हम वीपीएन यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ आईपी जो है वो मास्क होती है, तो इवन जो क्या उसे कहते हैं मैक एड्रेस होता है वो भी मास्क हो जाता है, या उसके लिए स्पेसिफिक कोई वीपीएन नहीं नहीं? नहीं वीपीएन देखो, वीपीएन को समझना इतना आसान है, बहुत आसान है अगर आप उसे इजी वे में समझो। अगर आप उसे इतना कॉम्प्लिकेट करते जाओगे तो उतना ही जो है वो बड़ा और बहुत बड़ी चीज लगेगी। वीपीएन से, वीपीएन जैसे ऐसा इस लाइक इसके उसके नाम से समझो, ऐसा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि एक कंप्यूटर पड़ा है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका या यूके कंप्यूटर पड़ा है। अब आपके पाकिस्तान में वेबसाइट एक ब्लॉक पड़ी है, आपने क्या किया, आपने उस जो कंप्यूटर पड़ा है यूके में या यूएसए में कंप्यूटर पड़ा है, आपने टीम वीवर के थ्रू या एनीडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस किया, और उसके कंप्यूटर से आपने क्या किया वो वेबसाइट को रन किया। तो आपने क्या किया उस, अगर फॉर एग्जाम्पल उस कंट्री में वो वेबसाइट ब्लॉक नहीं है तो आपने वो यूज की, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका आईपी सेम रहेगा, आपके होस्ट जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स है उसको आपका आईपी पता चलता रहेगा, बस आपने जो वेबसाइट एक्सेस की है ना वो किसी और के कंप्यूटर से की है, ठीक है? वो जो लोग या जो रिक्वेस्ट आपने भेजी ना वो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए वो किसी के और कंप्यूटर से भेजी है, ये फर्क है। मैं आपसे बात करूं कि आपके आईएसपी को नहीं पता कि आप इंटरनेट पे क्या ब्राउज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके आईएसपी को भी पता, क्योंकि आप उसी का नहीं आप सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैक एड्रेस है, इवन मैक एड्रेस चेंज हो, यानी कि मास्क हो जाता है या नहीं होता, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ। जो एडेप्टर का मैक एड्रेस है हाँ उसको क्या होता है चेंज होते हैं वीपीएन वीपीएन के में, जब आप थ्रू नहीं मास्क वीपीएन होता है या नहीं? ठीक लगाते, वीपीएन जब आप लगाते हैं तो मैक एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होते। सर, जी जी इसके अलावा किसी के सवाल हो टॉपिक्स जी पूछें जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे कॉलिंग्स पे ना फायरफॉक्स ओपन नहीं होता, पेज लोडिंग होता रहता है लेकिन ब्राउजर ओपन नहीं होता। पेज लोडिंग होता रहता है ब्राउजर, मतलब ब्राउजर ओपन हो जाता है, पेज लोडिंग पे लगा रहता है। नहीं मतलब कि अगर हम जैसे फायरफॉक्स पे हम क्लिक करते हैं तो वो एरो के ऊपर गोल सर्कल लोडिंग होती रहती है लेकिन कुछ ओपन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, आपके मेरे ख्याल में आपके सिस्टम कौन सा है, i3 i5? सर i3 i5 बट कौन सा सिस्टम है आपका, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आप सिस्टम की जनरेशन या एचपी मॉडल है, डेल है, क्या है वो मॉडल सर कंपनी आई थिंक बताओगे? आई थ्री है, आई थ्री अजान हो रही है सर, 1 मिनट। जी जी बिल्कुल, टाइप भी कर सकते हैं, डेल है या एचपी का है। अच्छा अगर तो ये इशू आपके पास आ रहा है ना, तो उसके लिए आपकी काली काली में फिर ये है कि आपको उसे ना इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके अपग्रेड करना होगा काली को, उसके नए वर्जन के अंदर आपको जैसे कमांड टाइप करनी है, अपडेट और अपग्रेड दोनों करने होंगे आपको। एक कमांड टाइप करनी है जो है सुडो apt get अपडेट देन डबल डैश देन आपको टाइप करना है apt अपग्रेड। मैं कमांड लिख देता हूँ चैट के अंदर ताकि इजीली हो जाए आप लोगों के लिए। जस्ट लिखना है sudo apt dash sorry dash get देन लिखना है अपडेट एंड देन स्पेस देन डबल डबल डैश एंड देन लिखना है अपग्रेड। ये मैंने लिख दी है कमांड और ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर की है, चैट के अंदर शेयर कर दी है। ये जस्ट आप कमांड लिखिएगा बट मेक श्योर योर काले ने कनेक्ट विद इंटरनेट, और इंटरनेट पे चेक करने के लिए जस्ट आपने टर्मिनल ऑन करके उसको ना पिंग करनी है google.com, ये टर्मिनल ऑन करना है आपने, लिखना है पिंग देन स्पेस google.com। अगर तो गूगल आपको रिस्पॉन्स कर रहा है तो दैट्स मीन आपका इंटरनेट काम कर रहा है, गूगल आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या लिखा रहा DNS एरर लिखा इस तरह की चीज़ लिखी आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना होगा, वहाँ पे जो राउटर की चेंजिंग है ना, नेट 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 होस्ट ओनली, उसको ब्रिज पे करना होगा, ठीक है? अगर ब्रिज पे नेट नहीं चला तो देन नेट
नेट के ऊपर शिफ्ट करें, अगर नेट के ऊपर नेट भी नहीं चला देन नेट नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट कर देना है ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपकी रिजॉल्व हो जाए। बट मेक श्योर अगर आपकी पिंग जो है काम कर रही है, अगर पिंग काम करे तो कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको अपडेट और अपग्रेड करना है एंड मेक श्योर आप अपने सिस्टम के आगे बैठे रहें, उसके बाहर जाए क्योंकि बीच में दो तीन बार कहता है कि आप मुझे कंटिन्यू करने के लिए यस दबाए। जी जी पूछें, साजिद और कासिम आपका हाथ खड़ा। मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या ये रिज्यूम सेशंस हैं जिस तरह पहले इनकी वीडियोस पड़ी हैं, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो इस तरह इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी क्योंकि इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटिव हैं जो बंदा नहीं पकड़ सकता या खुद को समझ नहीं आ रहे होते, दूसरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो क्या इनकी जो वीडियोज हैं ये वो पेज के ऊपर रहेंगी जिस तरह पहले तीन चार हैं? जी जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है जूम की और आई एम श्योर 100% नॉट 100% बट ये जो है वीडियो रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड क्योंकि हो रही है तो डेफिनेटली ये अपलोड हो जाएगी आपके LMS के वजह से जहाँ पे बाकी जूम की रिकॉर्डिंग्स पड़ी। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन है कि सर ये जो काली लिनक्स होता है ये हार्डवेयर पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया जाता है? काली लिनक्स क्या, मैं समझा नहीं। काली लिनक्स जो सर एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडोज 10 है बगैर मतलब और एक वर्चुअल बॉक्स के, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड होता है सर? देखो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जो आप काली लिनक्स डाउनलोड करते हो वो CLI बेस्ड काली लिनक्स है, GUI बेस्ड काली लिनक्स नहीं है, ठीक है, और वो आपके सिस्टम विंडो में इंस्टॉल होती है, जैसे आपके सेलफोन जो है उसके अंदर जो गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपके पास कोई भी सेल फोन है उसके अंदर एंड्रॉयड चल रहा है। अब एंड्रॉयड जो चल रहा है वो क्या होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत कर रहा है, आपकी हार्डवेयर के साथ बातचीत कर रहा है। अब उस एंड्रॉयड के अंदर अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जैसे कि फेसबुक इंस्टॉल की हुई है, आपने इंस्टॉल किया है क्या इंस्टॉल किया, फायरफॉक्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं, तो वो कम्युनिकेट करेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो सेम चीज आपका मैक विंडो के साथ भी ये होता है क्योंकि विंडो का जो स्टोर है वो भी एक जैसा कंसीडर दैट इट्स एप्पल स्टोर या गूगल का प्ले स्टोर, तो सेम चीज कंसीडर करें, वो आपके विंडो से बातचीत करेगा, देन विंडो जो है उसे आंसर जो है रिप्लाई बैक करेगी जब वो हार्डवेयर से बातचीत करेगी। तो सर अगर इसको हम विंडोज पे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद अगर अपना IP एड्रेस चेंज करते हैं तो फिर वेब ब्राउजर पे किसी और कंट्री का शो होगा ना? नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेशन है। देखो आपने फॉर एग्जांपल एक VPN लगाया है और VPN लगाया अपने फोन के अंदर, मेरी बात को समझना, आपने एक VPN लगाया, VPN लगाने के बाद आपने गूगल खोला, गूगल ने आपको क्या बताया कि जी आपका जो है IP चेंज है, वो डिफरेंट वेबसाइट खोल देते हैं, ऐसे ही है ना, क्यों, क्योंकि जो VPN होता है वो बातचीत उसका उसने बातचीत करनी हार्डवेयर के साथ जाके और आपके सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाके, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहना है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से बातचीत कर, तो उसने जाके डायरेक्ट हार्डवेयर से जाके बातचीत करके उसका जो IP है वो चेंज, उसके जो ISP है, देखो मेरी बात सुनो, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया हूँ, आपका इंटरनेट जो है सबसे पहले ले रहा है आपका हार्डवेयर, देन हार्डवेयर आपका इंटरनेट किसको दे रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका जो है हार्डवेयर इंटरनेट दे रहा है। अब जब VPN आप ऑन करते हैं ना, तो जब आपका हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बाकी जितनी भी एप्लीकेशन उनको जब इंटरनेट देता है ना, जब आपने VPN सेटअप किया होता है ना, तो हार्डवेयर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको सारी एप्लीकेशन को इंटरनेट देने जाता है ना, आपका VPN कहता है कि मेरे से होते हुए सारों का इंटरनेट दो, क्या कहता है कि अब आपने डायरेक्ट हर किसी एप्लीकेशन के फेसबुक को गूगल को किसी को इंटरनेट नहीं देना, डायरेक्ट आपने मुझे देना, मेरा काम है आगे सबको इंटरनेट देना, तो वो क्योंकि बीच में टनल का काम करता है, फिर वो कहते हैं भी सबको उनकी ना डिफरेंट IP साइन कर देता है, यानी कि उनको कहते हैं तुम्हारी IP ये है, तुम USA से, मैंने ये जो फोन है ना USA से चल रहा है, ठीक है, उनको मैनिपुलेट कर, उनसे झूठ गलत बयानी करता है, ये है असल में VPN जब आपके सेलफोन या लैपटॉप के अंदर काम करता है। अगर आपको प्राइवेसी की तरफ जाना है या अगर आपको एनोनिमिटी के लेवल के ऊपर जाना है, देन यू नीड टू लर्न अबाउट द प्रॉक्सी सर्विस या टॉर सर्विस के ऊपर जाओ। टॉर VPN की बात नहीं कर रहा मैं, टॉर प्रॉक्सी की या टॉर टनल की बात कर रहा हूँ। इस तरफ जाओगे तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा यू नो एनोनिमस रख सकोगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना टॉर प्रॉक्सी की बात करते हैं या प्रॉक्सी चेन की बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर, अभी इसे समझाने का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अभी समझाऊँगा।
अच्छा सर, ठीक है, ये मैं समझ गया हूँ सर आपकी बात। तो सर, ये इसको हार्डवेयर में किस तरह इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स को? अभी तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में रह के ना काम कर रहे हैं, तो इसको हार्डवेयर काली में लिनक्स किस तरह? को इंस्टॉल करने के कई तरीके कार हैं। आपके पास बूटेबल का ऑप्शन होता है, मेरे पास अजान हो रही है, आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। एक जैसे जैसे आपने विंडो इंस्टॉल की, वैसे काली लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके अगर आप पास फ्लैश ड्राइव है, देन आप उसे लाइव बूट करके फ्लैश ड्राइव को इंडेक्ट करें, एंड देन अपने आप उसे लाइव बूट करें, फ्लैश ड्राइव से चला लें, लाइव चला लें, तो वो कोई मसला नहीं है हार्डवेयर से बात करना। इनकी वजह से डॉक्टर को हर साइड जो पड़े हुए हैं टूल्स वगैरह। अच्छा, तो सर जब हम बूटेबल यूज करेंगे तो उसमें फिर फुल मतलब आईपी चेंज करेंगे तो वो दूसरी आईपी शो होगी वेब ब्राउजर में? एग्जैक्टली। ठीक, शुक्रिया सर जी। इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो? जी, इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो जो समझ में ना आ रहा हो, पूछ सकते हैं। जी, किसी को भी सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो मुझे बताएं, फिर हम अपने सेशन को जो है वो। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने सर मैसेज भी काफ़ी किए थे उनको, एक मैडम थी, मगर वो कहती हैं ग्रुप अभी बना ही नहीं है व्हाट्सएप का आपका, ये एथिकल हैकिंग का। मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे भी नहीं पता ग्रुप बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। अगर बच्चों के आप लोगों के में से किसी को भी, आपको एक बच्चे जितने भी हैं अगर आपके ग्रुप के अंदर ऐड हैं तो प्लीज इनको भी ऐड कर लें। वो ये नहीं ऐड कर सकते सर, वो पीछे से ऐड होना, क्योंकि वो एडमिन बने हुए हैं ब्रीच और वो ही ऐड कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा, तो अगर ग्रुप वाकई में बना हुआ है हैकिंग का या साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप बना हुआ है, देन काइंडली जो है स्क्रीनशॉट उस ग्रुप का लेके आपको फॉरवर्ड कर दें कोई, ठीक है, देन या आपके लिंक में कोई रेफरेंस में। सर वो सर नहीं सर, वो डैशबोर्ड में सर ऑप्शन था कि आप क्लिक करें एग्रीमेंट करें, उसको कोई पॉलिसी थी तो सर उसमें ऐड हो गया था, बट सर उसके बाद ग्रुप में ऐड नहीं हुआ। रहमान जो है, अब्दुल रहमान जो है, आपको नंबर की बात करें चैट के अंदर, आई गेस दे कैन हेल्प यू। आप जो है नंबर एक्सचेंज एक दूसरे से कर लें ताकि मे बी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे मुझे भी जहाँ तक इल्म में है कि ग्रुप्स वगैरह शायद बने हुए हैं, बट मैं उनमें ऐड ही ना मैं लिखा हुआ था कि आप टीचर्स भी इसमें होंगे और आप उसमें अपने क्वेश्चंस क्यूरीज पूछ सकते हैं। मैं नहीं ऐड, मैं बता रहा हूं मैं ग्रुप के अंदर ऐड नहीं। हां अलबत्ता जो इंटरनीज रखी हुए वहां पर तो वो ऐड होंगे, वो आपको हर क्वेश्चन का जो है आंसर बैक कर सकते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरी तरफ से मैं खुद किसी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हूँ। मेरी तरफ से इंटरनीज मैंने वहां पर रखी हुए हैं तो वो जो है वही ऐड होंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है सर जी, कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है तो फिर मुझे इजाजत दें कि हम अपना जो सेशन भी बंद कर लेते हैं। आई गेस सवाल नहीं है किसी का, क्योंकि होता तो अभी तक पूछते हैं किसी ने। चलें फिर ऐसा करते हैं, अपना सेशन बंद करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अभी आपका आखिरी मॉड्यूल चल रहा है और मुझे नहीं लगता नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी मुलाकात होगी। अभी मैं आपको बता दूँ जिन्होंने ये कोर्स खत्म कर लिया है और आगे की तरफ परस्यू करना चाह रहे हैं कैरियर की तरफ, देन गो विद द एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स, एंड उसके बाद जो है आप सी एच के आखिरी जो मॉड्यूल्स होंगे, कोई 7-8 मॉड्यूल्स होंगे ई सी काउंसिल के, जिससे जो 20 मॉड्यूल्स हैं उसमें जो आखिरी 7-8 मॉड्यूल्स हैं एडवांस साइबर सिक्योरिटी के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेना आपका सी एच का। इसी काउंसिल का जो 2.5 लाख रुपये अभी फिलहाल पाकिस्तानी रुपीज में बन रहे हैं, क्योंकि अभी जो कीमत चल रही है डॉलर की वो 218-220 के करीब चल रही है, तो उस हिसाब से जो प्राइस है वो 2,10,000-2,20,000 के करीब उनका वाउचर की प्राइस भी पड़ी है। तो वो जो है कोर्स जो है सी एच पी 11 आप इजीली पूरा पढ़ लोगे वैन एवर इसी काउंसिल साल में एक सितंबर में या दिसंबर में जो है हर साल स्कॉलरशिप लॉन्च करता है। आप उनके उन्हें लिंक्डइन से फॉलो कर लें या उनकी फेसबुक प्रोफाइल वहाँ पर फॉलो कर लें, ताकि जो है जब भी वो उनकी स्कॉलरशिप निकले आप उनकी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके, और उनकी स्कॉलरशिप बहुत हैवी होती है, मतलब आप हैवी से मुराद ये होता है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। मैंने भी प्रैक्टिकल का जो सर्टिफिकेशन लिया था सी एच क्यूज वाला जो एग्जाम था उसके पैसे मैंने खुद दिए थे, पूरे दिए थे, बट जो क्यूज जो प्रैक्टिकल था क्योंकि वो $1,100 का था तो वो जो है मुझे स्कॉलरशिप के थ्रू जो मुझे भी साइन था
2021 हाँ 21 के अंदर, बहुत साल साल डेढ़ साल पुरानी बात है, 21 में मैंने आई गेस मैंने प्रैक्टिकल किया था। तो सी एच जो है वो मेरा 20 का है, तो खैर वो 99 डॉलर का, तो आई गेस 99 डॉलर पाकिस्तान बनते हैं कि 22 से 23 हज़ार बनता है शायद, आई गेस इतना ही खैर बनता हो, बट 99 आज के डेट में मैंने तो खैर 17,000 रुपये पे किया था। तो 99 डॉलर इज नॉट अ बिग अमाउंट अगर हम कंपेयर टू द उसकी बात करें एक्चुअल 2 से 2.5 लाख की बात दरमियान की बात करें, तो जो है आप उसको फॉलो करें इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी तो मुझे भी नज़र आ रही है क्योंकि अभी उनकी ऑफर चल रही है लेट समर के नाम से, जहाँ पे 50% ऑफ दे रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट काफ़ी देखने को मिलेगा। बट अगेन इस कोर्स जिसने करियर परस्यू करना है, अगेन जो शौकिया कर रहे हैं, जो जस्ट यू ना जस्ट समझना इस फील्ड को समझना चाह रहे हैं उसके लिए नहीं, जो कैरियर को परस्यू करना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर उनके लिए यही है कि आप पहले सबसे पहले इस एडवांस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स इनरोल कर लो, लेकिन साथ साथ ईसी काउंसिल का जो है CEH है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, बल्कि वेबसाइट कह रहा हूँ उनके ट्विटर अकाउंट्स और लिंक्डइन अकाउंट सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स को फॉलो अप कर लो, ताकि जब भी वो स्कॉलरशिप लॉन्च करें जस्ट गेट स्कॉलरशिप एंड यू नो जस्ट गो विद द एग्जाम और अपना सर्टिफिकेशन पहले जो इंटरनेशनल सिक्योर अप करो। ठीक है, ये है आज के लिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक क्या सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये साइबर सिक्योरिटी एडवांस जो ये अभी PFTP जो करवा रहे हैं, इधर ही हम कर लें? इधर की बात कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी एडवांस वो करोगे तो इसी कौन सके, तो टोटल जो है 15-16 मॉड्यूल्स आपके कवर होते हैं। ठीक है, 15-16 से मॉड्यूल करा दिए है कि इसी काउंसिल के टोटल 20 मॉड्यूल्स हैं, तो अगर आप 15 मॉड्यूल्स इन्हीं पैसों में कवर कर लो और इसी तरह कवर कर लो, पीछे हड्डियाँ कहीं हैं, बस बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं वो जस्ट आपने फॉलो अप करते हैं, कोई समझ में ना आए तो डेडिकेटेड ट्रेनिंग ले लेना, आर्टिकल्स रीड करें, वो बाकी जो बाकी मॉड्यूल हैं वो थ्रेटिकल हैं, ज़्यादा थ्रेटिकल से मतलब लर्निंग वाले हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, की आईडियाज फायरवॉल्स हैं, हनी पॉट वगैरह है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, IoT डिवाइसेस वगैरह हैं, वो थ्रेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो जस्ट उसके कॉन्सेप्ट समझना है, एक क्रिप्टोग्राफी है वो थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो ऐसे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे या खुद सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, नहीं समझ में आए तो ऑन डिमांड जो है किसी इंस्ट्रक्टर से या किसी इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग ले लीजिएगा। सर जी, सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये कब तक अवेलेबल है एडवांस साइबर सिक्योरिटी, मतलब कब तक चलेगा ये? जब तक आप लोगों को, जब तक PFTP है ये तो चलता रहना है, आप कभी भी इसको एनरोल कर सकते हैं, इसको भी मसला नहीं है, बट वो तो पढ़ा हुआ है इनके एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, कहने का मकसद ये है कि आप आज ही कर लो कल करो, ये सब अप टू यू, बट मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ अभी से ही, क्योंकि आपका बैच खत्म होने वाला, नेक्स्ट सेशन में आप डेफिनेटली नहीं होगे, क्योंकि आपका बैच तो खत्म हो चुका है, आपके तो आखिरी नेरे पहुंचे हुए हो, क्योंकि आपका मॉड्यूल नंबर 11-12 चल रहा है आई गेस, तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट जूम सेशन में नहीं होगे, तो इसलिए मैं जो रोड मैप पहले से दे रहा हूँ कि जस्ट गो विद द एडवांस साइबर सिक्योरिटी, एंड एडवांस साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ जो है अभी से ही, क्योंकि सितंबर कल से शुरू होने वाला है, सितंबर और दिसंबर में आई गेस, सितंबर या दिसंबर या आई गेस नवंबर में, ये तीन इसी अलबत्त शुरू इसी 9वें महीने से शुरू होती है इनकी स्कॉलरशिप, किसी न किसी महीने में आती लाजमी है। ठीक है, इन्हीं मंथ्स के अंदर स्कॉलरशिप लाजमी देते हैं, तो स्कॉलरशिप वो लॉन्च करेंगे या जो अफोर्डेबल कर सकते हैं, अभी भी इनका 50% डिस्काउंट आई गेस, इनका 50% डिस्काउंट आपको 87,000 रुपये में अभी भी पड़ रहा है CH का, CH B12 अभी इनका आया हुआ है, तो वो जस्ट क्लियर परचेज कर सकती हो, बाद में फिर इनकी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, फिर ये चले जाते हैं 999 डॉलर, 1,000 डॉलर के ऊपर चले जाता है। ठीक है, अभी इनके डिस्काउंट चल रहे हैं, फिर आगे इनकी स्कॉलरशिप भी आनी है, तो साथ साथ अप्लाई करते रहिएगा। जी जी सर, ये पूछना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम इसका व्हाट्सएप चेज करेंगे, क्यूज वाला की तरफ चाहिए, प्रैक्टिकल और जो क्यूज है वो सेम है, उसकी वर्थ सेम है, बाकी जस्ट लैब थोड़ा सा फर्क है कि क्विज में आपके पास 125 क्वेश्चन होते हैं, क्विज वाले MCQs, यानी कि 4 MCQs होते हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर देना होगा, बट वो रिजॉल्व आपको अपनी लैब्स में करते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे 2 + 2 = 4 होता है ना, आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है और आंसर भी आपको जो है सही जो आंसर मिलेगा उसको सही आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो सेम केस में जो क्विज वाला एग्जाम है उसमें आपको अपनी लैब्स के अंदर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करके जो आंसर है वो देना पड़ता है, जबकि जो प्रैक्टिकल है इसी काउंसिल आपको प्रैक्टिकल में पैसे ज़्यादा चार्ज करता है, $500 एटलीस्ट $500 चार्ज करते हैं, क्योंकि $1,199 चार्ज करता है आपसे, तो $500 में आपको लैब देता है अपनी खुद की, कहता है अपनी मेरी लैब ले लो और वहीं से जो चीज़ें रिजॉल्व करनी कर लो, उनकी लैब का अच्छा बेनिफिट है, वो सारे जो है उनके अंदर टूल्स अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, बट अगेन इट्स अ हाईली एक्सपेंसिव, क्योंकि $500 अपनी एक वर्थ रखता है, $1,700 के अंदर ऑफेंसिव सिक्योरिटी का OSCP आता है,
तो $1200 और $500 में सिर्फ फर्क होता है, तो इसलिए अगर ज्यादा पैसे हैं तो कोई मसला नहीं है, बट अगर पैसे थोड़े हैं तो प्रैक्टिकल की तरफ ना जाओ, क्विज की तरफ चले जाओ, जो सस्ता है बट इनकी सेम वर्थ होती है, मार्केट में कोई फर्क नहीं है प्रैक्टिकल वाले की और क्विज वाले की, ठीक है, दोनों की वर्थ सेम है। हाँ अलबत्त दोनों कर ले तो फिर आपको सी एच मास्टर मिल जाता है जिसकी वर्थ भी सेम, सो दैट्स अ मेन यू नो मेन फैक्ट। जी सवाल है तो कर ले, नहीं है तो फिर सेशन एंड करते हैं, मैं पहले भी सेशन एंड करने लगा था, फिर सवाल कर लिया। चलिए आई गेस आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए और मैं सेशन जो है अपना एंड कर लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं, बल्कि क्या मिलना है, अगर हुआ तो मिल लेंगे, नहीं तो ना।